गाइस, तो मैं अभिजीत जैक्सन एक बार फिर हाजिर हूं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आई गाइस, तो स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, दोपहर के बज चुके हैं 2:30 और आज हम जाने वाले हैं लोनावला। तो लोनावला में बहुत ही अच्छी प्लेस है। ऐसा आपको पता है, मैं पिछले 8-9 दिन से मुंबई में हूँ। तो मुंबई में हर चीज़ जगह घुमा दी, थोड़ी जगह कुछ रहेंगे वो आगे भी घुमाऊंगा। लेकिन आज मौसम बारिश अच्छी हो रही थी, मानसून का वक्त है और महाराष्ट्र में हम तो अपने लोनावला नहीं गए, तो कहीं नहीं गए। मैं चलो आज आपको घुमाते हैं लोनावला। इतनी अच्छी वादियाँ हैं, इतनी जितनी फेमस प्लेस हैं सब दिखाने वाले हैं आपको। तो आज बने आपके ब्लॉग में, थोड़ा सा सब्सक्राइब ना करें, फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गाइस, हम लोग पहुंचे भी नहीं लोनावला और हम लोग ट्रेन में देखो इतना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ पूरे मतलब ट्रेन में ही देख लो पूरे व्यू। लेकिन आपको दिखाता हूँ मैं कैमरे से, चलिए। गाइस, सुंदर छोटे छोटे वाटरफॉल देखने को मिल रहे हैं आपको, दिख रहे हैं सुना बीच बीच में। कितना सुंदर जंगल है, देखो ऊपर बादलों में धुआं दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। इतनी हरियाली, मानसून में महाराष्ट्र में आने की बात ही लगे। और ट्रेन का सफ़र हो और चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन हो, फिर बात ही लगे गाइस। देखिए व्यूज, और वो भी इंडिया हमारा, भारत, भारत देश महान। चलिए हम पहुंचते हैं लोनावला, आपको सफ़र कराते हैं, चलिए। तो गाइस, फाइनली आ चुके हैं हम लोनावला स्टेशन। तो गाइस, इतना अच्छा मानसून है, इतना मस्त है। गाइस, ये भी हमारे साथ में आया है, ये जुबेर भाई हमारे पड़ोस में ही रहते हैं कल्याण में, मुंबई के अंदर। हम लोग आ चुके लोनावला रेलवे स्टेशन। तो गाइस, मौसम इतना, मानसून देखिए आप कितना सुंदर मानसून हो रखा है, चेक दिस आउट। गाइस, मुझे इतने गूब बम्स आ रहे हैं, मतलब इतना एक्साइटमेंट हो रही है देखने की। जो मैंने ट्रेन से व्यू देखा, तो वहाँ जाके देखने में तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आप बने रहें, थोड़ा सा स्काइप ना करें, पूरा ब्लॉग देखते हुए चलते हैं। तो गाइस, हमने स्टेशन के बाद आ चुके हैं, हमें अंकल की ऑटो मिली है, प्यारे से अंकल मिले हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? तुषार साठी। तुषार साठी, हम कहाँ जाने वाले हैं? चार पॉइंट पे अभी, राइड गार्डन, लोनावला लेक, बुशी डैम, टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट। तो भाई आप एक्साइटेड हो, पूरी वीडियो देखे, काफी मजा वाला है। मैं हूँ भाई, और जो भाई, बैठे हो, क्या हैंडसम लग रहे हैं। हम तो भाई हैंडसम तो है। हम लोग थोड़ा पानी की बोटल, लेते हैं और स्नैक्स ले लेते हैं और चलते हैं। गाइस, बने रहिए ब्लॉग में। सबसे पहले आ चुके हैं फर्स्ट व्यू पॉइंट पे, हमें चार व्यू पॉइंट जाना है। सबसे पहले दिखाते हैं, देखो ये लेक पॉइंट। ये बारिश हो रही है, कितनी बढ़िया है ना भाई, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। देखो मानसून का मौसम है तो बारिश तो होती है, देखो कितना सुंदर लग रहा है लेक पॉइंट, ये देखिए। चलो आपको सिनेमैटिक में दिखाते हैं, बने रहिए। ला 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 ला, गाइस हम लोग सफ़र करके आ चुके हैं सेकंड व्यू पॉइंट पे, जो कि खोसी डैम है, वाटर डैम है। यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू पॉइंट आता है, वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे आपको छोटे मोटे, क्योंकि हर जगह थोड़े बहुत छोटे मोटे वाटरफॉल हैं। बारिश देखो हो रही है, हम लोग छाते के नीचे दोनों भाई चल रहे हैं आज हमें साथ देने के लिए। जुबेर भाई तो बहुत मुश्किल में आ पाए, हमने कहा कि मुझे अकेले आना कोई पसंद नहीं है कहीं पर भी। किसी किसी हम आपके लिए इतना कर रहे थे, बस आपको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो हमारे चैनल। और बताओ क्या देखना है आपको, कहाँ जाना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोग। चलें दिखाते हैं आपको व्यू पॉइंट। हमारी एंट्री हो रही है, इतने सुंदर पानी, ठंडे ठंडे पानी के साथ हम लोग पानी के अंदर जा रहे हैं। देखो जुबेर भाई चल रहे हैं इधर आराम से, आराम से। हमें हाँ, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, आपको वाटर प्रूफ फोन करने के लिए मतलब पन्नी का कवर मिलता है। देखो गाइस सामने देखो, लोग सामने वाटरफॉल, देखो जुबेर भाई चल रहे हैं। ये अभी मैं चल रहा हूँ, ये खड्डा है, आराम से, बिल्कुल आराम से। यहाँ हर जगह पानी पानी है तो बहुत आराम जाना पड़ता है। वाटरप्रूफ फोन लेके आया, मेरा वाटरप्रूफ है इसलिए ठीक है। और वाटरप्रूफ जूते पहन के आए, वाटरप्रूफ कपड़े पहन के आए, सही फायदा है। चलो आपको मस्ती कराते हैं, मजे कराते हैं, सिनेमैटिक में देखिए आप, चलिए।
गाइस फाइनली हम 1 किलोमीटर चलने के बाद आ चुके हैं अपनी सेकंड लोकेशन पे वाटर डैम के पास, खुशी वाटर डैम। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप चेक कर लीजिए गाइस, लुक दिस, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए लोग वहाँ बैठे हुए हैं, कितना बढ़िया, ये नीचे से कितना सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में भाई, कितना बढ़िया मानसून में। क्या कह दिया आप? मेरी कहावत है तो मानसून हो और महाराष्ट्र हो और जितिन जैसन का ब्लॉग हो तो फिर बात ही लगेगा। चलिए आप चेक किए सिनेमैटिक में। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तुम बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। तो भाई आपने सिनेमैटिक में देखा कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर खुशी वाटर डैम। देखो ये पानी देखो वहां से झरझर के आता है, आपको दिख रहा होगा, देखो मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको। हर वाटरफॉल एक वो है वहाँ पर है, यहाँ पे देखो वो दिख रहा है वहाँ पर है, बहुत सारे वाटरफॉल इकट्ठा होते हैं, पानी यहाँ इकट्ठा होता है इस तरीके से, और यहाँ से इस डैम के द्वारा इस तरीके से निकलता है ये, और देखिए नीचे आता है। लोग कितने अपने परिवार के साथ कितने अच्छे से नहा रहे हैं, सभी इन्जॉय कर रहे हैं। देखिए अपनी फैमिली के साथ कितने, देखो सब लोग कितने अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं। देखो यहाँ भुट्टे भी मिलते हैं, चने मने, बहुत सारे आइटम, कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आपको भी मजा आ रहा हो तो वीडियो में लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना सबसे वीडियो पहले पाने के लिए। गाइस बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस हमें सेकंड लोकेशन खुशी डैम पर घूम लिया है, हमें आ गया अपनी थर्ड लोकेशन टाइगर पॉइंट और लॉइन पॉइंट्स पर। यहाँ पे शाम का सनसेट बहुत ही अच्छा आता है, यहाँ चलते हैं, यहाँ तो मज़ा ही आ गया गाइस, बहुत ही एक्साइटेड हमें, लेकिन ये सब देख के ना मज़ा ही आ गया। देखो अभी फिर से पानी में निकल रहे हैं, हम पहुँचते सीधे अपनी थर्ड लोकेशन पर, तो बने रहिए ब्लॉग में। चलिए गाइस हम वहाँ से 9 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, हमारी सेकंड लोकेशन थर्ड लोकेशन पर। क्या बताऊँ गाइस, बड़ा सुकून, आप बस चेक कीजिए, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता, आप बस देख लीजिए। देखिए गाइस मैं ना बिना टाइम वेस्ट, मतलब तो गाइस मैंने आपका टाइम वेस्ट कराया, सीधे दिखाते हैं आपको सिनेमैटिक में यहाँ का व्यू। आप देखो, आपको प्रगति का रूप दिखाता हूँ, वहाँ से धूप आ रही है, देखो ये वो है टाइगर पॉइंट, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टाइगर लॉइन किंग होता है, यहाँ पर वहाँ पर आता है, देखो वहाँ पर दिख रहा होगा, वहाँ पर कोई रोशनी दिख रही होगी, उस वाले पहाड़ पे आपको रोशनी दिख रही होगी। देखो प्रगति का, देखो आपको दिख रहा है वहाँ धूप पड़ी हुई है यहाँ पर, और कितना सुंदर, कितने सारे फुब्बारे बने हुए हैं वहाँ पर देख, कितना सुंदर लग रहा है, देखो बढ़िया। जैसे हम लोग यहाँ पर आए, वेदर चेंज हो गया, बारिश शुरू हो गई है, देखिए बहुत मानसून है, अभी पूरा खुला हुआ था, अब देखिए पूरा धुआं धुआं हो चुका है, ऐसे होता है मानसून में यहाँ पर, एक मज़ा मानसून के घूमने पर। हमारे कुछ मैम लोग भी मिले यहाँ पर, सिनेमैटिक में देखा होगा। मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर?
बहुत ठंडी है, ठंड बहुत है। आपको कैसा रहा मैम? अच्छा ठीक है, थैंक यू गाइस। हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि मौसम ज्यादा खराब हो रहा है। देखो अब पूरे यहाँ हमने फोटोग्राफ कराई थी, आप थंबनेल में देखिए मैंने यहीं किया था। देखिए कितना भयंकर मौसम, बहुत खराब हो रहा है। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अब जा रहे हैं अपनी फोर्थ लोकेशन पर। आप देखना ये था टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट यहाँ पर बहुत सुंदर व्यू देखा आपने। वीडियो को लाइक कर देना, मैं सब लोगों से एक्सपीरियंस भी पूछा, मैम लोग थी वहाँ पर। आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, कमेंट में लिखना, आपको बताना कौन सी जगह पसंद आई आपको। तो गाइस लास्ट ऑन द लिस्ट हम लोग आ चुके हैं अपनी फोर्थ लोकेशन पर, जो कि मतलब मेन रोड से थोड़ा से पास में ही है। मतलब वाटरफॉल तो यहाँ पर बहुत हैं, लेकिन ज़्यादा वाटरफॉल जंगल में जाने नहीं देते हैं शाम के वक्त, सब यहाँ पाबंदी है वहाँ पर, वो लगा रखे हैं उन्होंने। वाटरफॉल तो यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं, आपने वीडियो में देख लिए होंगे। उसके लिए प्रॉपर टाइम निकालना पड़ता है, एक दिन ट्रैकिंग के लिए बुकिंग करनी पड़ती है तब ट्रैकिंग आ रही है। लेकिन आप ये चेक कर सकते हैं गाइस, देखिए बड़े वाटरफॉल दिख रहे हैं यहाँ से, ऊपर से आ रहा है। देखो गाइस वहाँ से आ रहा है, वहाँ से चल के ऐसे ऐसे करके ये देखो हमारे जुबेर भाई, जुबेर भाई हेलो। तेरे घर के मैं हो गया काफिर, तेरे लिए मैं जहाँ से टकराऊंगा सब कुछ खो के तुझको ही। तो गाइस यहाँ के मौसम की क्या कहें, यहाँ का मौसम बहुत ही ऑलसम है। आपने देखा थोड़ा सा ऊपर गए थे बारिश होने लगी, पूरा फॉगी हो गया था, तो थोड़ा सा हम लोग नीचे आए पूरा खुला हो गया। हम लास्ट लोकेशन में रह गई थी, तो आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी थी, आप सिनेमैटिक में देख ली होगी। तो गाइस वीडियो बड़ी ना ज़्यादा बड़ी करते हुए मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आज की वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त सभी दोस्तों को शेयर करना। लोनावला कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कौन सी चारों प्लेस में से कौन सी प्लेस आपको अच्छी लगी, कैसा लगा यहाँ पर आपको, तो सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिखना आप। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो गाइस आज के लिए अलविदा, मैं आपको जितने जय हिंद जय भारत।